आपको दिखाया जा रहा है। थोड़ी देर में आपको यह भी बताते हैं कि प्रदेश में 11 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुके हैं। 24.74% अभी तक मतदान हो चुके हैं। ममता अलवर से धीरे धीरे करके ममता बताएंगे कि कहां कहां से कितने प्रतिशत मतदान अब तक 11 बजे तक हो चुके हैं। बिल्कुल, हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। इंडोन सिटी से 11 बजे तक 22.90% वोटिंग हुई है। 11 बजे तक का ये आंकड़ा है। 24.74% अब तक मतदान हुआ है। 24.74% अभी ये मतदान का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। ओवरऑल अलवर के तेजारा में 11 बजे तक 34.80% मतदान हुआ है। डूंगरपुर में भी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आया है। श्रुति, और हमारे साथ गेस्ट के रूप में ओम जी जुड़ चुके हैं और उनसे ही हम सवाल पूछ लेते हैं। लेकिन अभी तक 11 बजे तक आपको न्यूज 18 राजस्थान कितने कास्ट परसेंट हुए हैं वो भी आपको बता रहे हैं। और तो ओम जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और उनसे ही सवाल लेते हैं। अभी तक के ओम जी, जो अगर हम बात करें तो अभी तक वोटिंग परसेंट आप देखिए तो धीरे धीरे जैसे दिन चल रहा है वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से तमाम जो कवायतें की गई हैं और कांग्रेस के अपने कुछ वादे हैं, गारंटियों के बलबूते पर कांग्रेस ने इस बार दांव खेला है। ओम जी आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी नमस्कार। आज वैसे लोकतंत्र का त्योहार है, होना ये चाहिए था कि निष्पक्ष चुनाव होता। कांग्रेस की सत्ता चुनाव अधिकारियों पर दबाव नहीं डालती। आज जगह जगह के ऊपर जिस तरह से बूथ कैप्चर करने की कोशिश हो रही है, कानून व्यवस्था बिगाड़ी जा रही है, मतदाताओं का रोकने का काम किया। आ रहे हैं बड़ी संख्या में मतदाता आ रहे हैं, परंतु कहीं न कहीं उनको रोके जाने का एक दुष्कर्म किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतंत्र में जिसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमने प्रशासनिक अधिकारी और चुनाव अधिकारियों से बातचीत की है, पर मैं ये कह सकता हूँ ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी राज्य के हित में, ये सब चीजों के बारे में अब तक हमने जो अपने सकारात्मक चुनाव प्रचार किया, इस सबका असर नजर आ रहा है। और कांग्रेस की जो कुनीतियां हैं, कांग्रेस का जो अत्याचार है, कांग्रेस का जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि कोई एंटी, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हम फुल फ्लेज सरकार बना रहे हैं, फुल फ्लेज से हम इस बार जीत रहे हैं, कोई एंटी इनकम्बेंसी की लहर नहीं है। ओम जी मैं आपसे कह रहा हूं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, केवल चुनाव जीत नहीं रहे हैं बल्कि हमारे पास 3/4 के आसपास, बहुमत के आसपास हमारे पास में जो हमारे कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिल रहा है वो हमारे अनुकूलता चल रही है। और उसका एक कारण है, 1 करोड़ वर्ष अशोक गहलोत जी की सरकार ने नौजवानों के बर्बाद किए। 3 साल तक हमारे 35 लाख युवक परीक्षा के लिए, रिट की परीक्षा के लिए करते रहे, हर बार पर्चा आउट नहीं हुआ, भ्रष्टाचार से हुआ। उनका आरपीएससी का मेंबर जेल में बैठा है, उनके आयोग के जो एक चेयरमैन थे वो जेल के अंदर गए हैं इसके अंदर, और सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। निजी स्कूलों में राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर पर्चे आउट कराए गए। ये नौजवानों के साथ जो अत्याचार हुआ, सवाल जो दागे गए ओमकार सिंह की तरफ से, मुझे लगता है कि आपको जवाब देना चाहिए। आप जरूर कहते हैं कि फौरी एक्शन आपने लिया है, कमेटी बनाई है, लेकिन पेपर लीक, 19 पेपर लीक का पीछा छोड़ नहीं रहा है और बूथ कैप्चरिंग के भी आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उस पर भी जवाब दीजिएगा। ओमकार जी मैं आपके पास आती हूँ, सवाल कांग्रेस की तरफ से था। भारतीय जनता पार्टी ने और ओमकार सिंह जी लखावत ने अभी अपनी हार मान ली है। आप देख लीजिए, ये एक तरीके से झूठे आरोप लगा रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग भी हो गई है और लोगों को, वोटर्स को वोट डालने से भी रोका जा रहा है। यह बयान तो इनको 7 घंटे बाद देने चाहिए जब वोट का टाइम निकल जाएगा। अभी ये झूठा नरगल बयानबाजी कर रहे हैं, इससे साफ प्रतीत होता है कि ये बौखलाहट में अपनी हार की जो स्थिति इनको सामने दिखी है ये इसको कबूल कर चुके हैं। अब जहां तक कांग्रेस की योजनाओं और कामों की बात करूं, मैं इनकी बात का जवाब दूं, हाँ। तो ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि सब तरफ कांग्रेस के पक्ष का माहौल है, इसलिए अब ये अंडर करेंट की बात करते हैं। सामने तो इनको कोई करेंट नजर नहीं आता, अब ये कहते हैं अभी तो अंडर करेंट चल रहा है, परंतु इनको ये नहीं पता है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार की 7 गारंटी और योजनाओं का करंट है।
हमने जो 7 गारंटी दी है, जो 500 रुपए में सिलेंडर देने का कमिटमेंट किया है, जो महिलाओं को 10,000 रुपए साल के अंदर देने की बात की है, युवाओं को लैपटॉप टैबलेट देने की जो बात करी है हमने, और जो राहत के अंदर हमने बीमे की बात करी है, वो हमारी योजनाओं का ही अंदर करंट है जिससे ये भयभीत हैं। और अभी इनके राज्यवर्धन सिंह जी आप ही के चैनल पे कह रहे थे कि कांग्रेस को करंट लग जाएगा नेता, ये इस तरीके की भाषा जो बोल रहे हैं ना, इनको अभी इनको आज ही अभी महसूस हो गया है। प्रियदर्शी जी बीजेपी की तरफ से तो बोला जा रहा है, आप करें करंट लग जाएगा, बीजेपी की तरफ से तो बोला जा रहा है कि अंडर करंट सिचुएशन है। मैं वो सिर्फ नहीं, अभी आप ही मैंने देखा, अभी राज्यवर्धन सिंह जी बोल रहे थे कि कांग्रेसियों को तो करंट लग जाना है, करंट लगेगा इनको।